नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में कई दिनों से चले आ रहे हिजाब विवाद में अब नया मोड़ आ गया है। यहां मैसूर के कॉलेज ने अपना यूनिफॉर्म रूल रद्द कर दिया है और मुस्लिम छात्राओं को हिजाब में आने की अनुमति दे दी है। कर्नाटक में हिजाब विवाद के बीच ये पहला मामला है जहाँ किसी स्कूल ने हिजाब पहनने की इजाज़त दी है और इस तरह से ऐसा करने वाला ये राज्य का पहला स्कूल बन गया है। मैसूर के DDPU DK श्रीनिवास मूर्ति ने बताया कि शुक्रवार को 4 छात्राओं ने बिना हिजाब के कक्षाओं में जाने से इनकार कर दिया और प्रदर्शन करने लगे। कुछ संगठनों ने उन्हें समर्थन भी दिया, जिसके बाद श्रीनिवास मूर्ति ने कॉलेज का दौरा किया और सभी से चर्चा की। इस बीच कॉलेज ने घोषणा की कि यूनिफॉर्म रूल को रद्द करने का फैसला लिया गया है। कोडागू में मदिकेरी के फील्ड मार्शल KM करियप्पा कॉलेज के मुस्लिम छात्राओं ने कैंपस में प्रवेश करने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक लड़कियों को हिजाब पहनकर अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाती, तब तक कैंपस में नहीं जाएंगे। दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिलों के 6 से ज्यादा कॉलेजों में छात्राओं ने प्रदर्शन किया। जिदेकल्लू के गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज में 3 छात्रों ने हिजाब को हटाने से इनकार कर दिया। विवाद बढ़ने के बाद कॉलेज में छुट्टी घोषित कर दी गई। उधर कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बावजूद तुमकुर में गर्ल्स एम्प्रेस गवर्नमेंट PU कॉलेज में छात्राएं पिछले 2 दिनों से हिजाब पहनकर प्रवेश करने की मांग कर रही हैं। इस पर कॉलेज के प्रिंसिपल ने तुमकुर सिटी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मामले पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने 20 छात्राओं के खिलाफ FIR दर्ज की है। इनमें वो छात्राएं शामिल हैं जिन्होंने 17 और 18 फरवरी को हिजाब नियम के खिलाफ हंगामा किया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।